नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका ट्रैवल निशान में। आज मैं छपरा में हूं और छपरा में भी मैं मारुति मानस मंदिर में हूं। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, पूरी वीडियो देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आइए घूमते हैं। जैसे ही हम दर्शनी गेट से आगे बढ़ते हैं, अंदर जाते ही सामने हमें एक पार्किंग छोटी सी दिखती है, जहां आसपास के लोग अपनी गाड़ियां खड़ा करते हैं। जो लोग आते हैं उनकी गाड़ियां यहीं पे खड़ी होती हैं। और ये जो सामने हम देख रहे हैं, यह एक मैदान है जिसमें हर साल हनुमत जयंती समारोह की जाती है। और उसी हनुमत जयंती समारोह में जो पैसे इकट्ठे होते हैं, उन्हीं पैसों से, उन्हीं चंदों से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं मंदिर कैसा है। मंदिर की ये चारों तरफ की जो दृश्य है, काफी अच्छी व्यू आ रही है यहाँ से। आइए अंदर चले। ये मंदिर काफी पुराना तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लगभग 10 साल हो गए बने हुए। ये अभी इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। जैसे जैसे चंदा इकट्ठा हो रहा है, हर साल यहाँ पे हनुमत जयंती समारोह से जो चंदा इकट्ठा होता है, उसमें धीरे धीरे इसमें काम होते रहता है। ये जूता स्टैंड है जहाँ सब लोग अपना जूता उतारते हैं। जूता उतारने के बाद हम अंदर चलते हैं। एक खास बात है इस मंदिर की कि इस मंदिर में साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखी जाती है। आपको कहीं भी इस मंदिर के अंदर गंदगी नहीं दिखेगी। मुख्य मंदिर में पहुंचने पर सामने हमें हनुमान जी की प्रतिमा दिखती है। और इस मंदिर के निर्माण में ईंटों के अलावा संगमरमर का बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। सामने आप स्थापित हनुमान जी की मूर्ति देख सकते हैं, और ये रेलिंग जो स्टील के लगाए गए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंदिर में कितनी भीड़ होती होगी। अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, या चल रहा था, अभी अभी मंदिर खुला है, तो अभी भीड़ आपको कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अमूमन यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। उसमें भी मंगलवार और शनिवार को भीड़ कुछ ज़्यादा ही होती है। आइए अब मंदिर का टाइम टेबल थोड़ा देखते हैं। यहाँ समय सारणी लगाई गई है, इसमें खुलने का समय तो लिखा गया है, मंदिर के बंद होने का भी समय है, लेकिन आरती का समय इसमें नहीं दिया गया है। साथ ही कोविड के बाद मंदिर कब से खुला, इसकी कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। तो चलिए यहाँ के जो पुजारी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये सब बातें। हमारे साथ है पुजारी जी, मंदिर के पुजारी हैं, हम इनसे बात करते हैं। बाबा बताइए, मंदिर का कब से मंदिर खुला है? मंदिर तो अभी क्या नाम है, इससे 25 अगस्त से खुला है। अच्छा। लॉकडाउन के चलते बड़ा वाला गेट बंद हुआ था जी, और पीछे से जो लोग आते थे, जो नियमित भक्त हैं, वो बराबर आते थे। सायं आरती का समय बताइएगा? 6 बजे से। और सुबह भी आरती होती है? जी, सुबह के आरती का समय सुबह 6:15 बजे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदिर में अभी भी भीड़ कम है कोरोना के कारण, और शाम की आरती का समय लगभग 6 बजे और सुबह 6:15 बजे के करीब है। आइए मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करके हम देखते हैं मंदिर में क्या क्या है। मंदिर के गर्भगृह की जब हम परिक्रमा करते हैं, तो यह पाते हैं कि दीवारों पर चारों तरफ सुंदर कांड की चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। मंदिर के एक कोने पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा माँ दुर्गा की। और ठीक इसके दूसरे छोर पर भगवान शंकर की एक शिवलिंग स्थापित की गई है। आइए शिवलिंग को देखते हैं। ये शिवलिंग और उसके ऊपर वासुकीनाथ, ये सामने से भगवान शंकर का दृश्य। और ये कुछ लोगों की सूची बनाई गई है
जिन लोगों ने इस मंदिर निर्माण में दान दिया था उन लोगों के नामों की यहाँ सूची है, इनकी राशियाँ भी लिखी हुई हैं और पंडित जी के अनुसार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त दान भी मंदिर के लिए दिया है। मंदिर की परिक्रमा लगभग पूरी हो चुकी है और ये परिक्रमा पूरी करने के बाद अब हम मंदिर से बाहर निकलेंगे। हमारी पूजा भी हो गई है तो अब हम मंदिर के बाहर आ गए हैं और सामने हमारा वही ग्राउंड है जिसमें हनुमत जयंती समारोह होता है, जहां राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता और प्रवचनकर्ता अपनी प्रस्तुति देते हैं। यहीं हमारी यात्रा समाप्त होती है। जय श्री राम।